हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो प्री मार्केट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, क्या क्या प्लान हुआ जा सकता है। देखो, मैंने एक नया सीरीज शुरुआत किया है। मैं आपको एवरी डे मॉर्निंग में ये वीडियो देता हूँ और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि जो मेरे माइंड के अंदर चल रहे हैं अभी। देखो, फिलहाल के लिए कुछ पॉइंट्स मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, निफ्टी की अगर मैं सिचुएशन को समझ कर देख रहा हूँ, निफ्टी कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होने की कोशिश करेगा या फिर स्लाइडली कुछ 10-15 पॉइंट डाउन के साइड में ओपन हो सकता है। उससे ज़्यादा मुझे कुछ फिलहाल के लिए तो नहीं दिख रहा है प्री मार्केट के अंदर। अब देखो, अगर प्री मार्केट के अंदर मुझे कुछ चीज़ें ज़्यादा चेंजेस होती भी नहीं दिख रही है, जैसे आप इमेजिन करो, पर पिछले 3-4 दिन से निफ्टी उसी रेंज के अंदर अंदर अप डाउन कर रहा है। मतलब कहीं पर भी एक बड़ा मोमेंटम निफ्टी कर नहीं पा रहा है। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी एक बार सडनली अपसाइड मोमेंटम कर जाता है, फिर आकर डाउन साइड में क्लोज कर जाता है। सो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी खुद के लिए कंफ्यूजिंग सिनेरियो में है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं तो ट्राई कर रहा है कि मैं डाउन साइड के लिए जाने के लिए अभी भी रेडी हूँ और मैं ऊपर जाने नहीं वाली। ये निफ्टी क्लियर कट हमें बताने की कोशिश करते जा रहा है। सो ऑब्वियसली बात है, इतना सब कुछ समझने के बाद हमारा प्लान क्या हो सकता है। वॉट एवर एनी केस है, मैं निफ्टी को सेल करने की ट्राई करूंगा। अगर मेरा एक एसएल भी हिट हो जाता है, आई एम रेडी टू टेक, मुझे कोई उसके अंदर इश्यू नहीं आएगा। मैं आई एम रेडी टू टेक, एक एसएल लेने के लिए मैं रेडी बैठा हूं। अब कंपेरेटिवली हो जाता है बैंक निफ्टी की बात है, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें। बैंक निफ्टी जिस तरीके से खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की ट्राई कर सकता है कि मैं पॉजिटिव होने के लिए थोड़ा सा टाइम वोलेटाइल हो रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, एक बार वापस पीछे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं खुद मुझे अपसाइड मोमेंटम करने के लिए मैं पहले वॉलेटिलिटी क्रिएट करूंगा, तभी तो ऊपर जा सकता है। और इसकी वजह से बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा होगा। पिछले ऑलमोस्ट 3-4 दिन से अंदर अंदर, एक पकड़ लो कि एक वीक के अंदर अंदर, मैंने बैंक निफ्टी से कुछ भी अच्छा पैसा नहीं बनाया। मैंने जितना भी बनाया वो निफ्टी के अंदर थोड़ा बढ़िया बनाया है। सो ऑलमोस्ट मुझे बैंक निफ्टी बढ़िया मोमेंटम दे ही नहीं रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे, कल तो एक अपसाइड में बड़ा मोमेंटम आया था। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड ऑन दैट अपसाइड मोमेंटम। व्हाई नॉट गोइंग टू ट्रेड ऑन दैट अपसाइड मोमेंटम? ऑब्वियसली दिस मोमेंट आई नो दैट कि ये कहां तक जा सकता था। टेलीग्राम पे चेक कर लेना, मैंने ही पहले बताया था टारगेट कहां तक आने वाला। बट स्टिल मैंने क्यों नहीं एंट्री कर रहा हूं? क्योंकि मैं वहां पर एंट्री करने के लिए रेडी नहीं हूं। क्योंकि मेरा डायरेक्शन मार्केट का पिक्चर क्लियर है कि अगर वो डायरेक्शन में चला गया तो आई एम टेंशन फ्री ट्रेड कर सकता हूं। बट अपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहे हैं तो इट विल बी कि इसको हम क्या बोल सकते ऐसे होता है कि कुछ यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है कि वो मोमेंटम तो हो रहा है, वो शॉर्ट कवरिंग के लिए मोमेंटम कर रहा है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट शॉर्ट कवरिंग ना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं उसके लिए। हाँ, शॉर्ट कवरिंग का सिनारियो थोड़ा अलग होता तो मैं पिक्चर में आ जाता। सो बैंक निफ्टी जो कर रहा है वो मैं देखने के सिवाय ज्यादातर ट्रेड में अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूं फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर एक बार बैंक निफ्टी फिर 51,800, 52,000 ये सारे लेवल के ऊपर रुक जाता है, देन आई एम गोइंग टू बाय द बैंक निफ्टी एग्रेसिवली। तब तक मैं एग्रेसिव नहीं हो सकता बैंक निफ्टी के अंदर। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंटम ओनली, और मैं वेट कर रहा हूं। एंड मैं निफ्टी के अंदर ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी मुझे ज्यादा क्लियरिटी दे रही है। 24,400 के नीचे नीचे अगर निफ्टी रह रहा है, इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू गोइंग टू सेल द मार्केट, सेल द मार्केट एंड सेल द मार्केट। लेट्स सी कि देखते कि आज का प्री मार्केट में ओपनिंग होने के बाद मार्केट कैसे डिसीजन लेता है, एंड फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमें जाना कहाँ है और कहाँ नहीं जाना। ओके, तो चलो एक बार प्री मार्केट ओपन हो, एक बार मार्केट ओपन होने देते, डिसीजन बन जाएगा, देन विल डिसाइड कि व्हाट वी कैन डू। ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।